तकलीफ़ में हैं और ज़्यादा मुश्किलात में हैं, और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है ये रुके। एक इम्बैलेंस सा तो जरूर है। अगर आप देखें जम्मू में किन इलाकों में बुलडोजर भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहाँ कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो हैं सही नहीं हैं। एक कैलकुलेटेड डिज़ाइन के तहत यहाँ के भाईचारे को और यहाँ की यूनिटी को जो है ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, और वो सारा कुछ तो आपके सामने है। उमर साहब, जिस तरह आपने खुद देखा, उमर साहब जिस तरह आपने खुद अफादत किया कि जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू यू विच इज इलीगल, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के होने के नाते, क्या आपने ये मसला एलजी के साथ, अगर एलजी से कुछ बात नहीं बना, एलजी से हमने पार्टी मीट करके पीएमओ के ऑफिस से भी रोक, नहीं हमने कोई ना कोई फायदा ही नहीं। हमने जब इससे पहले कभी एलजी से कोई बात करने की कोशिश की तो हमें कोई रिस्पॉन्स वहाँ से मिला नहीं। ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जिनमें कि माइनॉरिटी टारगेटिंग, उस पर भी जब फारूक साहब ने एलजी साहब से गुजारिश की कि मीटिंग बुलाएं और उस पर बात करें, कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब एक दो बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तीसरी बार खटखटाने का कोई फ़ायदा नहीं ना, तो हमने सोचा कि सीधा हम प्रेस के ज़रिए ही ये बात वहाँ पर ले जाएँ। इससे पहले हमने इंतज़ार किया था कि शायद पार्लियामेंट में अगर कोई कार्रवाई होगी तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हजरात जो हैं पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएंगे, इसलिए मैंने दो चार दिन इंतज़ार किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले, लेकिन पार्लियामेंट में भी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। अब कब तक हम पार्लियामेंट का इंतज़ार करेंगे और कब हमारे मेंबर को वहाँ मौका मिलेगा और कब वहाँ पर सुनवाई होगी? तो वो प्रोसेस तो चलेगा, वो चैनल भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ऐसा इशू है, इसको जितनी जल्दी गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्स करे उतना बेहतर है। तो हमने सोचा तरीका यही अच्छा होगा कि हम पब्लिक डोमेन में ही इसको डाल दें। आपने कहा कि लाइक गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बुलडोजर को रोका जाए, बट चीफ सेक्रेटरी के स्टेटमेंट्स को सामने रखते उन्होंने कहा कि कोर्ट का दरवाजा खुला है, कोई भी जा सकता है, बट बुलडोजर जो है नहीं रुकेगा और लैंड को इविक्ट करना ही है, तो स्टेटमेंट को आप कैसे देखेंगे? गलत स्टेटमेंट है ना। बुलडोजर किसी भी हुकूमत का फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। मैं आपसे पहले कह रहा हूं, आप किस बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी साहब बुलडोजर भेज रहे हैं, जब खुद हाई कोर्ट में उन्होंने माना कि फिलहाल अभी तक जो लिस्टें आई हैं वो गलत हैं, वो फेक हैं। तो जेन्युइन लिस्ट किसके पास है? सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के पास? क्या आप और मुझे कोई हक नहीं है जानने के लिए कि हमारा नाम किसी लिस्ट में है या नहीं है? क्या हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे कब ये हमारा गेट तोड़ेंगे और बुलडोजर लेके अंदर घुसेंगे? क्या आपको नोटिस नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? अब आखिरकार ये चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि हर कोई हाईकोर्ट नहीं पहुंच सकता, वहां वैसे भी हमारे कोर्ट्स जो हैं वो ओवरलोडेड हैं, बहुत कम मौका मिलता है वहां सुनवाई हासिल करने का। तरीका ये है ना आपके, आप प्रोसीजर, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। जिस लिस्ट के बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं, उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ, हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन तो करिए, जिस तरह पहले लिस्टों में आपने हमारे नाम डाले। ये जब, और आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये गवर्नमेंट वाले परेशान हुए जब हमने लीज के कागज उनके सामने लाए, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि हमारे पास कागज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज हैं और जिनको वो कागज सामने पेश करने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे नीडोज में जो हुआ, जब अफसर वहां खड़ा था, आप लोग वहां गवाह थे, वो अफसर के पास जाते रहे कि आप हमारे कागज देखो, कागज देखो, कागज देखो। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें कुछ करना है। अरे किस चीज का प्रेशर? कागज देखिए ना, वेरीफाई वेदर देर इज अ लेजिटिमेट क्लेम और नॉट। इफ देर इज नो लेजिटिमेट क्लेम, गिव देम अ चांस टू गो। इफ नॉट, देन यूज द बुलडोजर। बुलडोजर शुड बी अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। पीर ज़ादा आशिक, हाउ शुड यू सी दिस
kind of statements that only poor will be spared and rich will be touched. Is there no law for so-called rich in guarantee? देखें आप अदालत के बाहर जो और खासकर फिल्मों में जो आप मूर्ति देखते हो ना, जिसमें वो तराजू पकड़ के होते हैं, आंखें खुली हैं या बंद? जहां तक मुझे पता है आंखों पर पट्टी बांधी है, ये दिखाने के लिए कि कानून जो है वो भेदभाव नहीं करती, कानून में फर्क नहीं है। हिंदुस्तान के आईन में कहीं पे ये दर्ज नहीं है कि फलाना कानून सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है या फलानी जगह में रहने वालों के लिए है या यहाँ के लिए नहीं है या मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं है। इस तरह के कानून जो है वो सबके लिए हैं, और इसी से फिर गवर्नमेंट के इंटेंशंस जो हैं वो पता चल जाते हैं। ये पिक एंड चूज एक एक हवा बनाने के लिए। मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट ने लिस्ट तैयार किया है वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल के लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो साबित करें कि क्या वो वहाँ पे एक सही क्लेम लेके बैठे हैं या वाकई गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक वो गैर कानूनी तौर जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। अफजल साहब, आपने काफी सजेस्ट किया है नोटिफिकेशन, आपने इस पर काफी सजेस्ट किया कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कल को अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है जहां पे जिन लोगों ने गलत किया है, उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? दूसरा कि जो क्या आपको इसमें कई जगह दिखाई तो नहीं देता, इसमें जो लैंड टू टिलर का जो बात होती है उसमें शेरी कश्मीर का जमाना याद आ रहा है, उसमें ज्यादा भी बोला जा रहा है जो कास्टराया वगैरह है वो काफी तादाद में है कश्मीर में एज कम्पेयर टू जो शहरी श्रीनगर है, ज्यादा तो वही था लैंड टिलर, वो मसला वहीं पे चल रहा है। और दूसरा कि जैसे आपने खुद कहा आप इसके अगेंस्ट नहीं है, बट एक प्रोसीजर होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने गलत किया है क्या ये ड्राइव सही है? और वो लैंड टिलर में मैं फिर इस बात पे मैं दोहराना चाहता हूँ, आप हम वैसे कोई ये नहीं कहता है कि गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए, एक। दूसरा, प्रोसीजर में क्या खराबी है ना? आप में से कोई ये कहने के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट को किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है? एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। लैंड टू टिलर तो ये लोग उसके हमेशा से दुश्मन रहे हैं। मुझे मतलब ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि ये लोग लैंड टू टिलर को ख़त्म करना चाहते हैं। 370 पे हमला करने का एक बहुत बड़ा मकसद वो भी था, जिस तरह इन्होंने वो डोमिसाइल लॉ लाया और बाकी चीज़ें की, उसका भी एक मकसद था लैंड टू टिलर को कमज़ोर करने का, ये भी उसमें एक एक स्टेप हो सकता है। नोटिस निकालना एक चीज़ है, लेकिन नोटिस में भी जैसे मैंने कहा उसमें भी आपको वक्त देना होगा ना किसी को कि वो साबित करे। मिसाल के तौर पे कल को आपको नोटिस निकले, ये तो नहीं कह सकते ना कि ये आपका नोटिस है मैं कल बुलडोजर लेके आ रहा हूँ। इनको ये कहना होगा ना ये आपका नोटिस है, कानून के तहत आपको इतने दिन दिए जा रहे हैं, अगर आपके पास एक लेजिटिमेट क्लेम है इस जमीन का वो क्लेम आप सबमिट करिए, हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। वही हम आपसे कह रहे हैं। उमर साहब, यहाँ से 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉज लाए, नए लॉज और या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर या सर्कुलर जारी हुआ, उस पे बक्सम फोकटल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने या बाकी जमात ने बीजेपी या गवर्नमेंट को अपोज किया, ट्विटर के जरिए आपने एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन आपका जो एहतजाज है 2-3 दिन के बाद फिर खामोश हो जाता है, और कंक्रीट जो रोड मैप है वो यहाँ की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का नजर नहीं आता है, जैसे हमने लैंड फार्मर्स के खिलाफ फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा। क्या आपके पास रोड मैप है जो आप गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह के एहतजाज करते हैं? हम एहतजाज इश्यूज पे करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उन पे एक गवर्नमेंट से जो है एक या तो कदम एक्सपेक्ट करते हैं या उसका इलाज हम एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं कहीं जगहों पे जहाँ पे गलत लिस्टें निकली रिक्रूटमेंट की, उस इशू को हाईलाइट किया गया, गवर्नमेंट ने उसको दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए। कुछ और ऐसे इश्यूज आए जिस पे हमने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने करेक्टिव स्टेप्स लिए। आज जो इशू हम लेके यहाँ आपके सामने बैठे हैं इस उम्मीद के साथ कि इस पे भी कुछ करेक्टिव मेजर्स होंगे, नहीं होंगे तो हम अपना अगला कदम जो है वो हम उस पे गौर करके ले लेंगे। जहाँ तक आपने बड़े इशू 5 अगस्त की बात छेड़ी,
हमने हमेशा आपसे कहा ना हमारी लड़ाई कौन सी है, हमने कहा इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अ पीसफुल, इट इज अ लीगल एंड इट इज अ पॉलिटिकल फाइट, दैट विल कंटिन्यू। आप फार्मर्स की बात हमेशा छेड़ते हो, मुझे बताइए ना किस पॉलिटिकल पार्टी ने फार्मर का एजिटेशन शुरू किया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, वो फार्मर्स ने खुद किया। इट हैड नो यहां तक के फार्मर्स ने वहां पॉलिटिकल पार्टीज को आने की इजाजत भी नहीं दी। तो आप ये नहीं कह सकते हो ना आपके फार्मर एजिटेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजिटेशन था, वो खुद किया। यहाँ के लोग भी जिस दिन चाहे ना वो भी फार्मर्स की तरह एजिटेशन कर सकते हैं और हमें उस एजिटेशन में आने से रोक सकते हैं। कोई उनको इस चीज के लिए इनकार नहीं कर सकता ना। Look, so long as the issue is alive in the Supreme Court, I will always be hopeful. In fact, if anything, the delay makes me even more hopeful. I'll tell you why. Because I truly believe that if the government was confident in its defense, it would have pressed the Supreme Court for an early hearing, as they do in numerous other matters. The fact that the government has shown such amazing reluctance to get into this discussion in the Supreme Court shows that they, at least privately, understand that they don't have a leg to stand on. So one day, if not today, then tomorrow, the Supreme Court will have to hear this case. And we have an assurance from the current Chief Justice, who still has some time left in his tenure, that he will make sure that the hearings begin in this matter. I believe that the delay is indicative of the fact that we have a strong case in the Supreme Court, and I'm even more hopeful now than perhaps I was in the beginning. Will you take this eviction to the Supreme Court? That's my point, question. The evictions issue, because I think somebody from Jammu had gone to the Supreme Court, but they refused to interfere. I'm not sure what issue they took to the Supreme Court. I think they wanted a blanket ban on the stopping of demolitions. I think our next step will depend on how the government responds to what I think are very reasonable suggestions to the government. If there is a positive response, so be it. If there isn't, then yes, we will definitely consult some senior lawyers to see what options we have. Politicians are claiming that the judiciary is dancing on the tunes of ruling government. They will take some. ये मैं नहीं मानता हूँ। सुनिए ना, अगर जुडिशरी को गवर्नमेंट के इशारों पे नाचना होता तो शायद मेरी बहन के घर के बाहर आज बुलडोजर होता, नहीं है। ये कहना कि ना अदालत या कोर्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के इशारों पे चलती हैं, ये शायद अदालतों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। लास्ट टू क्वेश्चंस आप और फिर And do you see really any conspiracy behind this all eviction that has been intensified now from last week? Look, it is a move to divide people. We have seen this with this government. They are desperately trying to divide people. Whether on regional basis, on religious basis, on caste basis, on community basis, now on economic basis. This is just one more step in that direction. To try and suggest that they should create a gulf or a wedge between rich and poor, knowing fully well that the law does not offer any such discrimination. What the suggestion or the solution or the steps that we have advocated have no such divisions. They are equal for rich, for poor. They cut across religious lines, they cut across regional lines. And I believe they are the best possible way for the government to address the concerns people have, also while ensuring that blatant misuse or capture of government land is put to a stop. Last question.